प्रकृति ने धरती को वृक्षों तथा वनस्पतियों के रूप में अनेक अमूल्य संपत्तियां प्रदान की है, जिन्हें वन संपदा कहा जाता है। वृक्ष मानव जीवन के लिए सबसे उपयोगी तत्व माने जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर सजीवों को जीवित रहने के लिए प्राणवायु यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है और ऑक्सीजन का एकमात्र स्रोत वृक्षों को ही माना जाता है। जीवन के शुरुआत से लेकर अंत तक हमारी गतिविधियां लकड़ी के यत्र तत्र गुजरती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम लकड़ियों के बीच में रहते हैं। वनों के बिना मानव जीवन असंभव है। वन मनुष्य को जीवन प्रदान करते हैं। हमारे शास्त्रों में भी पेड़ लगाने को एक बड़ा पुण्य माना जाता है। एक पेड़ लगाना एक यज्ञ करने के बराबर है। वनों का संरक्षण करना हमारा पुनीत कर्तव्य है। इस शताब्दी में वनों के विनाश के कारण होने वाले खतरों को भी वैज्ञानिक समझ गए हैं, इसलिए सरकारें वन संरक्षण हेतु प्रयासरत है। हिमाचल सरकार द्वारा भी वन संरक्षण हेतु नीतियां बनाई गई है। मनाली विधानसभा क्षेत्र में हिमाचल सरकार और शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी के प्रयासों से वन संरक्षण हेतु अनेक विकास कार्य किए जा रहे हैं। वन संवर्धन एवं पर्यावरण संरक्षण में वृक्षारोपण की अहम भूमिका रहती है। अलग अलग योजनाओं के तहत गत 4 वर्षों में मनाली विधानसभा क्षेत्र की 853.63 हेक्टेयर वन भूमि पर वृक्षारोपण किया गया है, जो पिछले अनेक वर्षों से कहीं अधिक है। बारिश व बर्फबारी के कारण भूस्खलन व बाढ़ से वन भूमि को हर वर्ष बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, जिसके लिए गत 4 वर्षों में मनाली विधानसभा क्षेत्र में भू संरक्षण के विभिन्न कार्यों पर 6,30,00,000 रुपए व्यय किए गए हैं। वन विभाग इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन नगरी मनाली व इसके साथ लगते रमणीय स्थानों में नेचर पार्क के निर्माण पर जोर दे रहा है, जिसमें सैलानी प्रकृति के खूबसूरत नजारों के साथ साथ जैव विविधता के बारे में भी जानें। ब्यास बिहाल मनाली में 3 करोड़ की लागत से नेचर पार्क का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। कृत्रिम झील, बच्चों के झूले और स्लाइड्स की व्यवस्था के साथ साथ ब्रिज, रिवर क्रॉसिंग, म्यूजिकल फाउंटेन, वाटरफॉल, पंचक्की और नेचर की जानकारी देती न जाने कितनी चीजें हैं। सैलानियों के बैठने के लिए बेंच और हट भी बनाई गई है। विधानसभा क्षेत्र मनाली के अंतर्गत व्यास नदी के वाम तट पर स्थित बेहद सुंदर गांव है जगतसुख। बर्फ की चोटियों से घिरे ऊंचे देवदार के घने वृक्षों के बीच वन विभाग द्वारा 1 करोड़ की लागत से पर्यटकों के लिए जगतसुख नेचर पार्क का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ प्रकृति के अद्भुत नजारों के साथ ही सैलानी ट्रैकिंग और कैंपिंग का भी आनंद ले सकेंगे। बर्फ के लिए प्रसिद्ध मनाली रोहतांग मार्ग में
यह है बेहद खूबसूरत स्थान गुलाबा। देश विदेश से पर्यटक हर वर्ष यहाँ बर्फ देखने के लिए आते हैं। स्थानीय विधायक श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी के अथक प्रयासों से वन विभाग द्वारा नेचर पार्क गुलाबा का निर्माण कार्य 1,20,00,000 रुपए की लागत से किया जा रहा है। इसमें सैलानियों को रोमांचक और साहसिक गतिविधियां भी उपलब्ध होंगी, जिससे वन विभाग की आय के साथ साथ पर्यटन कारोबार को भी बढ़ावा मिलेगा। हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य पर स्वर्णिम वाटिका योजना के अंतर्गत मनाली रोहतांग मार्ग के साथ ये है स्वर्णिम वाटिका कोठी। इसका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और स्थानीय व पर्यटकों के लिए ये स्थान आकर्षण का केंद्र है। इस वाटिका में लोगों को विश्राम के साथ ही रमणीय स्थलों को विकसित करने व इसके संरक्षण के लिए उन्हें जागरूक भी किया जाता है। इससे शहरी और अर्ध शहरी समुदायों को पौधारोपण गतिविधियों में शामिल कर वनों के महत्व और संरक्षण के बारे में जागरूक किया जा रहा है। मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए ये योजना बेहद उपयोगी सिद्ध होगी। इसी प्रकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग द्वारा नेचर पार्क सोमवन बटाहर को भी 1,00,00,000 की राशि से विकसित किया जा रहा है। वन विभाग द्वारा मनाली विधानसभा क्षेत्र में विश्राम गृह के निर्माण कार्य भी प्रगति पर है, जिसमें मनाली के समीप छियाल गांव में 1,42,00,000 रुपए की राशि से निर्माण कार्य प्रगति पर है। बिजली महादेव सड़क में स्थित यह है इस क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव जाना। 90,00,000 रुपए की राशि से यहां पर भी वन विभाग द्वारा
विश्राम गृह का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसी के साथ राष्ट्रीय उच्च मार्ग के साथ वंद्रोल में 1,10,00,000 रुपए की लागत से वन विश्राम गृह का निर्माण कार्य किया जा रहा है। मनाली विधानसभा क्षेत्र में वन विभाग के कार्यालय भवन के निर्माण कार्य पूर्ण किए गए हैं, जिसमें मनाली में वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय और पतलीकूहल वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय परिसर उपयोग में लाए जा रहे हैं। ये है मनाली के निकटवर्ती ग्राम पंचायत शलीन के गांव पारशा में प्राकृतिक रूप से गिरते हुए झरने का अद्भुत दृश्य, जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। मनाली के अनछुए पर्यटन स्थलों को प्राथमिकता में विकसित करने के उद्देश्य से श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी के अथक प्रयासों से वन विभाग द्वारा इस वाटरफॉल को नई खूबसूरत इको टूरिज्म साइट के रूप में विकसित किया गया है। वन विभाग द्वारा 22,00,000 रुपए की लागत से करीब 750 मीटर मार्ग और झरने के आसपास पुलिया व अन्य सौंदर्यकरण कार्यों को किया गया है। देश विदेश के पर्यटक गांव के झरने की ओर खींचे चले आते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को भी तरह तरह के रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। वन विभाग द्वारा मनाली विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों में वन रक्षक हट का निर्माण हुआ है, जिसमें 12,00,000 रुपए की लागत से शनाक वन रक्षक हट, 12,90,000 की राशि से रायसन वन रक्षक हट निर्माणाधीन है और 13,00,000 रुपए की राशि से पलचान में अधिकारी आवास। और 12,00,000 की राशि से पतलीकूहल वन रक्षक हट का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। विधानसभा क्षेत्र मनाली में श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी ने वन विभाग के अंतर्गत हिमाचल सरकार के सहयोग से अभूतपूर्व विकास कार्य किए हैं, जिसके लिए क्षेत्र की जनता उनका आभार व्यक्त करती है।